तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे हमने आपको बताया शुरू में, ये क्या होते हैं, इट इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एक टाइप है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट एंड डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो पता चल गया आपको, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर आते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के लिए है कि इट इज टेक्निक टेक्निक टू वही क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप, वेबसाइट्स एंड सो ऑन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर्स है, और प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है, एक स्किल है कि आपको हाउ टू प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। दोनों क्लियर होनी चाहिए आपको बातें। ठीक है, तो अब हमारे केस में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे, तो यहां पे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एंड सी प्लस प्लस। तो यू लिख लेते हैं टर्बो सी एंड सी प्लस प्लस। तो एक तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एक 1970s में रिलीज हुआ था और दूसरा 1980s में रिलीज हुआ है। तो एक तो बात ये जाहिर हो गई कि भाई जो 70s में रिलीज हुई थी, यानी कि 60s और 70s के दरमियान में, ऐसे कहते हैं इसको, तो ये पुरानी है और ये इससे एडवांस वर्जन है इसका। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर फर्क ये है कि सी जो है, सी ओनली सी की बात करो, सी इज अ फंक्शन फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये इसका फीचर है कि ये फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। और जबकि C++ जो है, C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अंदर जो फीचर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी फीचर है C++ में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सेमेस्टर वन में तो ये दोनों ही है, तो आपको दोनों ही आनी चाहिए, तो जितनी सीख सके। अब होता ये है कि जब ये पुराना वर्जन है और ये नया वर्जन है, तो इसका मतलब इसके सारे फीचर इसमें तो होंगे और इसमें अगले फीचर्स भी है, मतलब ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग मेथड को भी सपोर्ट करता है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड को भी फॉलो किया जाएगा। अब ये मेथड क्या है, तो आ जाते नीचे प्रोग्रामिंग मेथड। अब प्रोग्रामिंग मेथड क्या है, दो तरह से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, यानी कि वी कैन कोड बाय टू मेथड्स। दो मेथड हम यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के, एक है लीनियर जिसको हम कहते हैं और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, और दूसरा है ऊप, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। ये दो मेथड है। तो प्रोग्रामिंग करने के भी, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर को जब आप डिजाइन करेंगे उसको दो मेथड के जरिए आप कर सकते हैं, एक है लीनियर मेथड और दूसरा है ऊप मेथड, ये प्रोग्रामिंग मेथड है। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर की बात करें, तो यहां पे हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स। तो फीचर्स भी यही दो ही हैं, एक है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग मेथड और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, तो यहां पर आप जहन में रख लें, सी सिर्फ इस फीचर को सपोर्ट करती है और C++ जो है वो इस फीचर को तो करे ही, क्योंकि वो इसका एडवांस वर्जन है और वो साथ में इस फीचर को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक अदद, हाउ टू प्रोग्राम में लिख लेते हैं, हाउ टू प्रोग्राम में क्या रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले एक रिक्वायर्ड होता है IDE। IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इट इज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस, विच लिख लेते हैं विच कंटेंट क्या होता है इसके अंदर, टेक्स्ट एडिटर होता है इसके पास, कंपाइलर होता है इसके अंदर, और इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर विच
help us to write and test code. ठीक है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक समझ एक वर्कशॉप है, एक लैब है जिसमें कंपाइलर है और टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें आप अपना कोड लिखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है ना, मैंने लिख दिया राइट एंड टेस्ट कोड, जिसमें आप लिख भी सकते हैं और अपने कोड को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हाउ इट इज फंक्शन. ये भी समझ में आ गई बात आपको. और चलते हैं आगे इसके अंदर. तो भाई कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर, कंपाइलर के लिए हम ये कह सकते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर है, इट इज सॉफ्टवेयर विच कंटेन. अब इसमें क्या होता है, ऑल प्रोग्रामिंग कोड एंड सिंटैक्स, सिंटैक्स. अब सिंटैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग कोड को लिखने के जो रूल्स हैं उसको हम कहते हैं सिंटैक्स. तो कह रहा है कि इट इज सॉफ्टवेयर विच कंटेन ऑल प्रोग्रामिंग कोड एंड सिंटैक्स. एंड अब करता क्या है ये, इट हेल्प अस टू राइट प्रॉपर कोड इन केस वी विल मेक एनी मिस्टेक इन टाइपिंग कोड, इट विल प्रॉम्प्ट अस बाय एरर. ठीक है, मतलब अगर हम ये, तो इसके पास क्या है, इसके पास पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कोड हैं और सिंटैक्सिस भी है, मतलब इसके पास वर्ड्स भी हैं और ग्रामर भी है. तो ये हमें हेल्प क्या करेगा, जैसे ही हम कोई कोड लिखेंगे और उसको कहेंगे कंपाइल करो, तो ये देखेगा कोड सही लिखा है, अगर सही लिखा है तो एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें ये बताएगा एरर में. किसमें बताएगा? एरर में. तो हमें ये कैसे बताएगा? एरर के जरिए. याद रखना ये बात, एरर जब आएगा जब आप कोई गलती करेंगे, आप गलती नहीं करेंगे तो एरर नहीं आएगा. सही, तो यहां पर आ गए हमारे पास. तो आपको कंपाइलर के बारे में पता पड़ गया. कंपाइलर का एक काम और भी है, कंपाइलर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज की जहां बात हो रही है उसको हम कहते हैं कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी. तो ये आपके कोड को बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर रहा होता है अगर आप सही लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है, मशीन जो है, वो एक ही लैंग्वेज समझती है, बाइनरी. तो यहां पर आपको ये इसके कंपाइलर का भी पता चल गया. तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट सारा इसको इंट्रोडक्शन करा दिया कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कौन सी कब चली थी और आपके सेमेस्टर में दो हैं, तो कौन सा फीचर है, कौन सा मेथड है, ये तरीका है. अब चलते हैं कि भाई हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं. तो अभी हमारे पास ये वाला कंपाइलर है जिसका नाम है डेव सी प्लस प्लस डेवलपमेंट सी प्लस प्लस. इसको खोलेंगे और ये आपके सामने खोलेंगे. बहुत सारे कंपाइलर हैं मार्केट में, टर्बो सी का है और विजुअल कोड भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं, जिसको भी यूज करें. कोई भी कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर होता है उसके पास, वो कंपाइलर का कोड होता है, बना के एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपना प्रोग्रामिंग कोड लिखें, सेव करें, टेस्ट करें. तो अब इसको खोल लिया हमने, तो देखिए इसमें क्या है. इसमें ये इसका मेन्यू बार है और ये इसके स्टैंडर्ड बटन्स हैं और ये इसका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है इसका ये, और ये हमारे यहाँ पे कोड लिखेंगे. तो सबसे पहले हम अपनी एक न्यू फाइल लेंगे, तो यहाँ से न्यू फाइल लेंगे और न्यू फाइल लेंगे सोर्स फाइल. तो ये एक न्यू फाइल आ गई. सबसे पहले इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखेंगे. प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, याद रखें कि सी जो है, सी एंड सी प्लस प्लस दोनों के लिख लो, बोथ आर केस सेल केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कहना का मकसद यह है कि सी और सी प्लस प्लस का जो कोड है, यानी कि इनका जो पर्सनल कीवर्ड्स है, वो केस सेंसिटिव है. मतलब अगर वो कोड छोटी एबीसी में है तो आपने छोटी एबीसी में ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में. आप उसको कैपिटल में लिखेंगे ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये एरर दे देगा. अगर कोई कोड कैपिटल में लिखा जाता है तो उसको कैपिटल में ही लिखना है. अगर आप उसको स्मॉल में लिखेंगे तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, एरर देगा. तो इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है. HTML, CSS, Java, HTML और CSS केस सेंसिटिव नहीं है. उसमें हम छोटी बड़ी एबीसी में लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे एहतियात करनी है. ओके, यहाँ पर आ गए आपने. तो ये आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर लिख रहे थे अपने प्रोग्राम का, कहाँ चला गया? ये रहा. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड. तो देखिए मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है आपने. यहाँ पे लिखेंगे आई यू स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std और फिर एक फंक्शन बनाएंगे इंटीजर मेन. ये हमारा मेन फंक्शन है, हर प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होगा. ये इसके कंडीशन ब्रैकेट्स थे.
फंक्शन ब्रैकेट से और ये इसके बॉडी ब्रैकेट से, ये फंक्शन ब्रैकेट कहलाएंगे और ये इसके बॉडी ब्रैकेट्स कहलाएंगे। ये आपने अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिख दिया, मतलब जो भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। तो इसको हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर कहते हैं। अपनी फाइल को सेव करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो पूछे कहाँ सेव कर रहे हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, आप भी बना लीजिएगा अपने अपने नाम से। मैंने सी प्लस प्लस में और यहाँ बना दिया पैराडाइज के नाम से। हम पहली फाइल बना रहे हैं पैराडाइज क्लास 01, ठीक है, ये हमारी पहली फाइल सेव हो गई। अच्छा, अब क्या करना है? अब देखिए, जब हम बिल्कुल बेसिक से प्रोग्राम शुरू करते हैं, मैं इसकी मिसाल यूँ लेता हूँ, आप एक नई रजिस्टर खरीद के लेकर आए, कॉपी या रजिस्टर, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे उसके साथ? अपना नाम लिखेंगे ना। तो यही हम अपने प्रोग्राम में अपना नाम लिख के एग्जीक्यूट कराते हैं कि वो हमारा नाम दिखाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। कंपाइल इसलिए कराना है कि जो हमने कोड लिखा है वो टेस्ट हो, वो वेरीफाई हो, वो सही है या गलत। गलत है तो एरर बताएगा, सही है तो कहेगा सक्सेस। और अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो उसमें लिखा है वो परफॉर्म करके दिखा देगा। परफॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स काम हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा तो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो स्टेटमेंट यूज होने वाली है, किसी भी जो चीज़ हम अपना नाम या कोई भी लिख के दिखाना चाह रहे हैं, अब बस इसमें ये ध्यान में रखना, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स को लेटर्स कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं, पैराग्राफ्स कहते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड्स को, लेटर्स को, सेंटेंसेस को कहते हैं स्ट्रिंग्स। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स। किसको? लेटर्स को, वर्ड्स को, पैराग्राफ्स को क्या कहते हैं? अब स्ट्रिंग जब भी बोलूं तो समझ जाना क्या कह रहा हूं। तो स्ट्रिंग्स जो है वो हम दिखा रहे हैं और स्ट्रिंग में लिख रहे हैं अपना नाम लिख दें या अपने प्रोग्राम का नाम लिख दें, जो भी चाहे। तो उसके लिए कोड कौन सा यूज होगा? वो कोड जो ये काम करेगा, ठीक है, तो वो कोड है सी आउट। सी आउट लिखेंगे, इसके आगे लगाएंगे लेस देन और ये डबल कोट्स लगाएंगे। अब याद रखना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले करने की बात आती है तो हमेशा डबल कोट या सिंगल कोड यूज होंगे। सी प्लस प्लस में और सी में डबल कोड यूज होंगे, आगे जावास्क्रिप्ट सीखोगे फिर सिंगल कोड यूज होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो जो भी चाहते हो। इसको भले आप कैपिटल में लिखो और स्मॉल में लिखो, क्योंकि ये इट्स नॉट कीवर्ड्स, ये आप जो चाह रहे हैं प्रोग्राम परफॉर्म करें, कीवर्ड ये है। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या होते हैं तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स लाइक इंग्लिश वर्ड्स बट इट हैज सम एक्शंस एंड, ठीक है, ये कह रहा है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व मतलब होते हैं जो पहले से लिख लिए गए हैं और इसके कंपाइलर में मौजूद है, और वो इंग्लिश के वर्ड्स की तरह होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट, अब एक इंग्लिश का वर्ड लग रहा है ना सी आउट, हालांकि इंग्लिश में इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये एक वर्ड है, इसको हम कहेंगे कीवर्ड है, इसकी कमांड का वर्ड है। तो इसकी क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं? इट हैज सम एक्शंस, और इसका कोई काम होगा। तो भाई सी आउट का काम है ना, हमारे जो स्ट्रिंग्स हैं उसको दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो हमने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये हमारा, इसको हम क्या कहते हैं? सेमीकोलन, इसका नाम है साइन का, लेकिन इसका जो काम है इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आसान इंग्लिश में फुल स्टॉप का काम करता है ये आपका। और ये जो पूरा एक ये है, ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लग गया जहां पे, तो ये आपकी कहलाएगी स्टेटमेंट। क्या कहलाएगी? तो स्टेटमेंट की अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट, ठीक, लाइक, सही, ये एक स्टेटमेंट है। अब जितनी लिखोगे उतनी स्टेटमेंट बनती जाएंगी, मतलब जहां पे एक ये आ रहा है ना स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वो एक स्टेटमेंट है। 10 स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गए तो 10 स्टेटमेंट हो गए वो, सही। एक फुल स्टॉप लगता है तो एक जुमला बनेगा ना, और 10 लग गए तो 10 जुमले हो गए। आसान इस तरह से समझ में। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे? सिंपल, एग्जीक्यूट में जाएंगे और क्या कहेंगे, जब भी कोई चेंजेस करेंगे पहले कंपाइल कराएंगे। तो कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं, ठीक है, नीचे आएगा इसमें पता चलेगा। तो ये और देखें एरर में क्या बता रहा है, जीरो, एरर में बता रहा है जीरो। तो अब करेंगे एग्जीक्यूट रन, तो ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ और उसने क्या दिखाया, वेलकम। अब भी बाद में कह रहा है कि भाई ये प्रोग्राम चल रहा है, मुझे इतना टाइम लगा और मैंने जीरो भी रिटर्न कर दिया, अब आप कोई भी बटन दबाएं तो इससे बाहर आ जाएंगे। मैंने कोई भी बटन दबाया, दोबारा मैं इधर आ गया।
अब यहाँ पर जो है ये क्या है, ये हमारी है सोर्स फाइल। कौन सी फाइल है? सोर्स फाइल। क्लास सोर्स फाइल क्या होती है? इट इज ओरिजिनल प्रोग्रामिंग फाइल विच हैज कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर और डेवलपर। और दूसरी फाइल कौन सी होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम सोर्स फाइल एंड इट हैज ओनली फंक्शनल, इट परफॉर्म्स फंक्शनल फंक्शंस। ठीक है, तो ये सोर्स फाइल से निकलती है एक्सी फाइल और ये परफॉर्म करती है जो फंक्शंस, जो भी फंक्शंस एंड एक्शंस जो भी आपने प्रोग्रामर लिखे होते हैं। मतलब इस फाइल में आप कोड नहीं देख सकते, इस फाइल में आप क्या नहीं देख सकते? कोड नहीं देख सकते, बस जो एक्शन है वो परफॉर्म होंगे। यानी कि ये आपकी सोर्स फाइल है, ये आपने इसको कंपाइल किया, ये आपने इसको कंपाइल, ये आपने एग्जीक्यूट किया, ये कहलाएगी हमारी एक्सी फाइल। मतलब आप लोग जितनी एप्स चला रहे हैं अपने कंप्यूटर मोबाइल में वो एक्सी फाइल्स हैं, बस वो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं और वो परफॉर्म होते जाएंगे, लेकिन उनके पीछे कोड क्या लिखा हुआ है वो आपको नहीं पता, वो सोर्स फाइल में। और वो किसके पास है? वो उनके प्रोग्रामर्स, उन कंपनीज के पास है जिन्होंने उसको डिजाइन किया है, और यही ओरिजिनल फाइल्स होती है। अगर आपको व्हाट्सएप की फाइल मिल जाए तो आप अपना व्हाट्सएप खड़ा कर देंगे, आपको फेसबुक की फाइल मिल जाए आप अपना फेसबुक खड़ा कर देंगे, आपको विंडोज की फाइल मिल जाए आप अपनी विंडो बना देंगे। तो इसकी वर्थ है, और बेचते हम कौन सी फाइलें? ये वाली फाइल जिसको एक्सी फाइल। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से आप अपना एक बायोडाटा लिख लें और न्यू लाइन के लिए आप यूज करेंगे सी आउट लेस देन एंड एल एंड लाइन। ठीक है, और अगली लाइन फिर आप इस तरह से लिख देंगे ठीक है। तो कंपाइल करेंगे यहां से कोड को, और कंपाइल हो गया, एरर नहीं आया कोई, तो रन करेंगे। ठीक है, एंड एल से आपका कर्सर सेकंड लाइन पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइल को सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज कर देते हैं यहां से फाइल, हमने क्लोज कर दिया कंपाइलर को, ये बंद हो गया, और इसको दोबारा से खोलते हैं। तो पहले कंपाइलर खोलेंगे, फिर फाइल को क्लिक करेंगे ओपन, फिर जाएंगे अपने फोल्डर में, देखेंगे हमारी फाइल क्या है। तो हमारी फाइल है यहाँ पे ये रही सोर्स फाइल, नॉट एक्सी फाइल, एक्सी नहीं सोर्स, जिसका आइकन होगा सीपीपी बना हुआ होगा उसके ऊपर इस तरह का। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, ये सोर्स आ गया, फिर यहाँ से आप इसको पेस्ट कर देंगे।